हेलो बच्चों, मैं सुनीता बैरवा, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ कक्षा पाँच की इंग्लिश का पार्ट पाँच या चैप्टर फाइव, जिसका नाम है एडिंग कलर्स, यानी कि रंगों को जोड़ना। और इस पार्ट में हम सीखेंगे कि किस प्रकार अलग अलग रंगों को जोड़ने से एक तीसरा रंग हमें प्राप्त होगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारी पोएम को पढ़ना और उसे समझना। डू यू लाइक ड्रॉइंग, क्या आपको चित्रकारी करना पसंद है, या आपको ड्राइंग करना पसंद है? विच इज योर फेवरेट कलर, और आपका फेवरेट या फिर पसंदीदा कलर कौन सा है? डू यू नो वी कैन गेट वेरियस अदर कलर्स बाय मिक्सिंग टू डिफरेंट कलर्स, और क्या आपको पता है कि एक दो अलग अलग रंगों को मिलाने से भी एक तीसरा सुंदर रंग प्राप्त हो सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पोएम को पढ़ना। Adding white to black, we get grey. कि अगर हम white और black color को mix कर दे, उसे जोड़ दे, तो हमें कौन सा color प्राप्त होगा? हमें grey color प्राप्त होगा। Every day to God, we should pray. उसी प्रकार हमें प्रतिदिन या रोज हमें भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, उनके सामने हाथ जोड़ने चाहिए। राइटर कहते हैं, कवि कहते हैं कि सफ़ेद और काले कलर को मिलाने से हमें कौन सा प्राप्त होगा? ग्रे कलर प्राप्त होगा। और हमें सुबह उठकर रोज भगवान के हाथ जोड़ने चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। एडिंग येल्लो टू ब्लू, वी गेट ग्रीन, और आवर हाउस शुड ऑलवेज बी टाइडी एंड क्लीन। और अगर हम येलो और ब्लू कलर को मिलाएंगे तो हमें कौन सा कलर प्राप्त होगा? हमें ग्रीन कलर प्राप्त होगा। आवर हाउस शुड ऑलवेज बी टाइडी एंड क्लीन, और उसी प्रकार हमें हमारे घर को हमेशा साफ सुथरा और स्वच्छ रखना चाहिए। कि जिस प्रकार ना येलो और ब्लू कलर को मिलाने से, उसको मिक्स करने से कौन सा कलर बनता है? ग्रीन कलर बनता है। उसी प्रकार हमें हमारे घर को रोज साफ सुथरा रखना चाहिए, उसकी रोज सफाई करनी चाहिए, जिससे कि वह साफ और स्वच्छ रहे। तो राइटर हमें समझाना चाहते हैं, इसका भावार्थ ये है कि एडिंग वाइट टू ब्लैक, कि हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयाँ भी होती है और अच्छाइयाँ भी होती है, और मतलब हर किसी इंसान के अंदर सारी अच्छाइयाँ नहीं है, सारी बुराइयाँ नहीं है, हमें दोनों का मिश्रण है। और उसी प्रकार हमें अपनी बुराइयों को ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए? रोज़ भगवान के सामने हाथ जोड़ने चाहिए, रोज़ प्रार्थना करनी चाहिए। एडिंग येल्लो टू ब्लू वी गेट ग्रीन, और उसी प्रकार हमें मतलब है ना, अगर हमारे जैसे हमारे आसपास सूखा है या कुछ बुराइयां हैं, कुछ कमियां हैं, तो हम अगर कोशिश करेंगे तो वो हरियाली में बदल जाएगी। तो येलो और ब्लू कलर मिलके कौन सा कलर बनाता है? हरा कलर। और हरियाली से सारा वातावरण भी स्वच्छ रहेगा, तो हमें अपने घर के आसपास के जो वातावरण है उसको साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे कि हमारा मन और तन स्वच्छ रहे और साफ सुथरा रहे। हमारे अंदर दिमाग, अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारी दिमागी स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी, और हमारे जो मानसिक स्थिति है वो बहुत अच्छे से काम करेगी। हम अच्छे अच्छे कामों में अपना ध्यान लगा पाएंगे, किसी गलत कोई भी गलत विचार या गलत सोच हमारे अंदर नहीं आएंगी। अब कवि कहते हैं कि रोज प्रार्थना करनी चाहिए भगवान के सामने। तो प्रार्थना करने से क्या होगा, हमें ज़रूरी नहीं कि कुछ मिले, लेकिन हम जब प्रार्थना करेंगे भगवान के सामने रोज प्रतिदिन, तो हमारे अंदर जो गंदे गंदे विचार आते हैं वो नहीं आएंगे, या हमारा मन है वो शांत रहेगा, हमारे अंदर अच्छे अच्छे कार्य करने की भावना पैदा होगी। एडिंग वाइट टू रेड वी गेट पिंक, और जब हम वाइट कलर को रेड कलर को, यानी कि जो लाल और जो सफ़ेद कलर है उसको मिलाने से, उसको मिक्स करने से हमें कौन सा कलर मिलता है? पिंक कलर मिलता है। मॉर्निंग एंड इवनिंग मिल्क वी मस्ट ड्रिंक, और हमें रोज सुबह सोने उठने के बाद और सोने से पहले हमेशा दूध पीना चाहिए। तो इसका आशय ये है कि वाइट और वाइट टू रेड, कि वाइट को रेड में मिलाने से पिंक प्राप्त होगा। पिंक एक खूबसूरत कलर है, जो उसे हमें वाइट और रेड को मिलाने से प्राप्त होगा। और उसी प्रकार अगर हम सुबह दूध पियेंगे और शाम को सोने से पहले दूध पियेंगे, तो हमारा शरीर है वो स्वस्थ रहेगा, हमारी जो मानसिक स्थिति है वो भी स्वस्थ रहेगी, हमारा शरीर अच्छे काम करने के लिए भी तैयार रहेगा, हमें आलस नहीं आएगा, हमारे अंदर किसी भी काम को करने के लिए तत्परता रहेगी। तो हमें सुबह उठने के बाद दूध पीना चाहिए, और सोने से पहले भी हमेशा प्रतिदिन डेली दूध पीना चाहिए। Adding yellow to red, we get orange. After buying something, we should count the change. और yellow और red को मिलाने से हमें कौन सा प्राप्त होता है कलर? Orange कलर। कि हमें लाल और पीले कलर को मिलाने से कौन सा कलर मिलेगा? नारंगी कलर मिलेगा।
और आफ्टर बाइंग समथिंग वी शुड, और हमें कुछ भी खरीदारी कर लेते हैं उसके बाद में हमें जो खुले पैसे मिलते हैं, जो चेंज मिलता है, उसे हमेशा हमें काउंट करना चाहिए, उसे गिनना चाहिए कि वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम शॉप पे जाते हैं, हम पैसे ले लेते हैं जो खुले पैसे हमें वापस मिलते हैं सामान खरीदने के बाद, और हम उसे चेक नहीं करते या उसे काउंट नहीं करते, और जब हम उसे घर पे आके देखते हैं तो कम होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उनसे हमेशा, हमें उन चेंजों को वहीं पर तुरंत हमेशा गिनना चाहिए जिससे कि हमें नुकसान ना हो। तो राइटर कहते हैं एडिंग येलो टू रेड वी गेट ऑरेंज, कि येलो और रेड को मिलाने से ऑरेंज मिलेगा, कि अगर हम थोड़ी सी समझदारी वहाँ पे दिखाए तो हम एक नुकसान से बच सकते हैं। उसी प्रकार येलो टू रेड यानी कि पीले और लाल को मिलाने से हमें ऑरेंज प्राप्त होगा, और हमें अपने जो खरीदारी करते हैं, जो सामान खरीदते हैं उसके बाद में हमें सब वो जो खुले पैसे होते हैं, जो चेंज होते हैं, उनको हमेशा गिनना चाहिए ताकि हमें नुकसान ना झेलना पड़े, और हमें अगर हमारे पैसे हम खरीद के लाते हैं तो हमें उसका जवाब घर पे भी देना पड़ता है। एडिंग ब्लू टू रेड वी गेट पर्पल, और हमें अगर ब्लू और रेड को मिलाते हैं तो हमें कौन सा कलर मिलता है, पर्पल कलर। पर्पल कलर बहुत ही अच्छा होता है, सुहावना होता है, बहुत ज़्यादा इसे पसंद किया जाता है। तो राइटर कहते हैं कि ब्लू और रेड को मिलाने से हमें पर्पल प्राप्त होगा। मम्मी एंड पापा मेक अ लवली कपल, और हमारे जो मम्मी पापा हैं वो मिलकर एक अच्छा कपल बनाते हैं या बहुत अच्छे कपल होते हैं। तो राइटर कहना चाहते हैं कि ब्लू टू रेड कि दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों के बिना एक जो है वो अधूरा रहता है। तो उसी प्रकार दोनों मिलकर यानी दोनों ही मिलकर एक सुंदर सा कलर बनाते हैं यानी कि पर्पल कलर बनाते हैं। उसी प्रकार हमारे जो मम्मी पापा होते हैं वे दोनों ही मिलकर अपने परिवार को इतना सुंदर बना देते हैं, इतना अच्छा बना देते हैं कि उसमें जब हम रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि हमारा घर नहीं, हमारा घर स्वर्ग जैसा बन गया है। और दोनों ही एक दूसरे का काम में हाथ बटाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं बिना लड़ाई झगड़े के, और हमारे घर को चलाते हैं, हमारे बड़ों की सेवा करते हैं, बच्चों को प्यार देते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं और उनके भविष्य की चिंता करते हैं। तो जिस प्रकार ब्लू के बिना पर्पल नहीं बन सकता और रेड के बिना पर्पल नहीं बन सकता है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, उसी प्रकार मम्मी के बिना भी हम अधूरे रहते हैं और पापा के बिना भी हम अधूरे रहते हैं, और ये दोनों ही मिलकर एक सुंदर सा परिवार बनाते हैं और एक लवली कपल यानी कि एक बहुत ही सुंदर जोड़ा बनता है दोनों को मिलाकर। और उसी प्रकार ब्लू को और रेड को मिलाने से कौन सा बनता है, पर्पल कलर, जो कि एक बहुत सुंदर कलर होता है। तो बच्चों इस पोयम में एडिंग कलर्स यानी कि कलर रंगों को जोड़ना पोयम से हमने क्या सीखा कि किस प्रकार हम अलग अलग रंगों को जोड़कर एक नया एक सुंदर सा रंग बना सकते हैं, और किस प्रकार हम हमारी बुराइयों को और अच्छाइयों को हटाकर या मतलब अच्छाइयों की आड़ में बुराइयों को ख़त्म कर सकते हैं, और किस प्रकार अपनी अच्छाइयों से एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। उसी जिस प्रकार हमें बहुत सारी बुराइयां हैं उस प्रकार अच्छाइयां भी है, तो हमें धीरे धीरे अगर हम एक साथ अपनी बुराइयों को ख़त्म नहीं कर सकते तो हमें धीरे धीरे कोशिश करनी चाहिए हमारी बुराइयों को ख़त्म करने की, और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, रोज़ या डेली भगवान के सामने हाथ जोड़ने चाहिए, भगवान के सामने प्रार्थना करनी चाहिए ताकि हमारा मन शांत रहे। और क्या करना चाहिए, हमें प्रतिदिन हम जब बाज़ार जाते हैं, हम कुछ वहाँ से सामान खरीदते हैं तो हमें कैसी आदत डालनी चाहिए कि सामान खरीदने के बाद में हमें क्या करना चाहिए, हमें जो चेंज मिलते हैं यानी कि जो खुले पैसे मिलते हैं उन्हें हमें गिनना चाहिए। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि हमें वो पैसे किसी ने कम दे दिए हो या ज़्यादा दे दिए हो, तो हमें क्या होगा, अगर हमें कम दे दिए हो किसी ने तो हमें नुकसान होगा और वो नुकसान की हमारी आदत लग जाएगी। हम बार बार जब बाज़ार जाएंगे सामान खरीदेंगे और हमें आदत ही नहीं उन्हें गिनने की, तो हम जल्दी से उन्हें अपनी पॉकेट में डालेंगे और घर पर ले आएंगे, और जब घर हमें पता चलेगा कि वो पैसे कम हैं तो हम इतने पैसे वेस्ट करके बाज़ार भी नहीं जाएंगे। तो हमें एडिंग कलर पोयम से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए, रोज़ दूध भी पीना चाहिए। रोज़ दूध पीने से क्या होगा, हमारा शरीर मतलब हमारा एक शारीरिक और मानसिक दोनों स्थिति बहुत मजबूत अच्छी बनी रहेगी। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा मन भी बहुत अच्छा रहेगा, हम किसी काम को करने में लापरवाह नहीं रहेंगे। और राइटर कहते हैं कि हमें अपने घर और बाहर आसपास के माहौल को भी शुद्ध रखना चाहिए, कि जिस प्रकार हमें ग्रीन कलर मिलता है येलो और ब्लू को मिलाने से, उसी प्रकार हमें अपने वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए ताकि हमारे आसपास भी एक साफ वातावरण रहे, हमारी मनोस्थिति बहुत अच्छी बनी रहे। और जिस प्रकार रेड कलर से कौन सा कलर बनता है,
पर्पल कलर बनता है, येलो और रेड से पर्पल कलर बनता है, तो क्या होता है उससे हमारे जो मम्मी पापा होते हैं वो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर मम्मी के बिना भी हम नहीं रह सकते और पापा के बिना भी नहीं रह सकते, तो उसी प्रकार जिस प्रकार पर्पल कलर एक सुंदर कलर बनता है, उसी प्रकार हमारे जो मम्मी पापा होते हैं वो दोनों मिलकर हमारे घर को बहुत सुंदर बनाते हैं और उन दोनों का जोड़ा बहुत ही खूबसूरत होता है। वह हमारे लिए एक सीख देते हैं कि शिक्षा किस तरीके की हमें शिक्षा करनी चाहिए हमारे भविष्य बनाने के लिए। वो कितने चिंता रहती है उन, वो कितना चिंताजनक होते हैं कि इन बच्चों को आगे बढ़ाना है, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं और इनके बिना घर नहीं चल सकता है। और पर्पल कलर किन के बिना नहीं बन सकता, रेड कलर के बिना और ये सारे कलर मिक्स करने के बिना हमें पर्पल कलर जिस तरीके से प्राप्त नहीं हो सकता। तो एक अच्छा परिवार, एक अच्छा जोड़ा मम्मी पापा के बिना हमें नहीं मिल सकता। अब बच्चों हम देखेंगे इस पोयम के शब्दार्थ, ग्लोसरी, शब्दकोश, टाइडी, अरेंज नीटली एंड इन ऑर्डर, सुव्यवस्थित, बाय, टू गेट समथिंग बाय पेइंग मनी फॉर इट, काउंट, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स इन अ ग्रुप, गिनना, चेंज द मनी दैट यू गेट बैक व्हेन यू हैव पेड फॉर समथिंग गिविंग मोर मनी देन द अमाउंट इट कॉस्ट, बचे हुए पैसे, खुले पैसे या रेजगारी, पर्पल द कलर ऑफ ब्लू एंड रेड मिक्स्ड टुगेदर यानी कि बैंगनी कलर, कपल हाउस हस्बैंड एंड वाइफ यानी पति पत्नी। अब हम इसके एक क्वेश्चन आंसर या एक्टिविटी क्वेश्चन करते हैं। अ फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि खाली स्थानों को भरना है। वी कैन गेट ग्रे कलर बाय एडिंग ब्लैक टू व्हाइट, यानी कि हमें ब्लैक को और व्हाइट को मिलाने से कौन सा कलर मिलता है, ग्रे कलर मिलता है। सेकंड, टू गेट ग्रीन कलर वी शुड मिक्स ब्लू एंड येलो, और ब्लू और येलो को मिलाने से हमें कौन सा कलर मिलता है, ग्रीन कलर मिलता है। थ्री, इफ वी मिक्स रेड एंड ब्लू कलर वी विल गेट पर्पल कलर, और हमें ना रेड को और ब्लू को मिलाने से कौन सा कलर मिलता है, पर्पल कलर मिलता है। तो बच्चों आज हमने